नवरात्र के मौके पर मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर के दर्शन पूजन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने वाराणसी जोन के एडीजीपी परमानंद पांडे मां विंध्यवासिनी के धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करने के बाद दर्शनार्थियों के सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। परम सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ दर्शन करने का मौका भी मिला और जो यहाँ की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने और पुलिस ने बनाई है वह अब तक की सारे जो पूर्व में कार्यक्रम हुए उन सभी की समीक्षा करने के उपरांत बनाई है। बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से सारे लोग यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को समस्या नहीं हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी राजपत्रित अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, पुलिस बल पर्याप्त संख्या में लगाया गया है, न सिर्फ मंदिर प्रांगण में बल्कि आसपास के मार्गों पर भी, जिससे कि जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं नवरात्रि के दौरान और मेले में हिस्सा लेते हैं, दर्शन करते हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने अमीनाबाद में सड़कों पर अवैध रूप से तैयार दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। वहीं नगर निगम जोन 1 में आने वाले अमीनाबाद में यह अभियान चलाया गया है। खबर मथुरा से है, जहां बीते दिनों राधा कृष्ण मैरिज होम के सामने सराफा कारोबारी से हुई लूट का पुलिस ने आज खुलासा किया है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। अपराधी जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने इनको रोका, रोकने के बाद तमंचे की बट से हमला किया तथा वो थैला इनसे छीनकर वहां से फरार हो गए थे। प्राप्त सूचना पर तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में 5 से ज्यादा टीमें इस पे लगातार काम कर रही थी, एसपी सिटी और एसपी क्राइम एक क्लोज लीडरशिप में, और इसमें पुलिस टीम को सफलता मिली है और इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड जो जिसका नाम चांद है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 4 लाख के आसपास की सोने और चांदी की ज्वेलरी और उसके अतिरिक्त 1,40,000 से ज्यादा इससे नगद बरामद हुआ है। खबर जौनपुर से है, जहां एक युवती के साथ पिटाई करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवती ने गांव के एक युवक पर जबरन अश्लील हरकतें करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती की शिकायत पर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मेरे गांव का वहीं उसका दुकान है। कौन सा गांव तुम्हारा? मेरा गांव सेनाबाड़ी। मेरे देखो यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, फिर यहाँ पे लगा, पैर में भी लगा है। और लड़का इसको मार दिया खूब ज़्यादा, मतलब कि उसके बाद वहाँ सिलेंडर था, ईंट उठ भी था, वहीं पर ढकेल दिया। तब ये जब दौड़ी उसको मारने के लिए तो उसके बाप भी आ गए, उसको छुड़ाने लगे और छुड़ा के उसको घर भेज दिए। और जहाँ खा रही थी उनका दुकान भी वहीं पर है और गाँव सेनाबाद है। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। वही हाल वाराणसी का भी देखने को मिला। ऐसे में देसी फ्रीज यानी मिट्टी के मटकों की दुकानें सज गई हैं। मटकों की दुकानों पर अलग अलग तरीके के बर्तन मौजूद है। इसमें टोटी वाला मटका, सुराही, राजन और दही जमाने की कटोरी समेत कई बर्तन शामिल है। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड मिट्टी के छोटे मटकों की है। संजय जी, इस समय गर्मी काफी बढ़ गई है, तो किस चीज़ का डिमांड बढ़ा है? ज़्यादातर मटका है, सुराही है, बोतल है, सब है इसकी। जी, तो कितने का ये आता है और कितना लाभकारी होता है? ये बहुत लाभकारी लाभकारी है जी। 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मटका है जी। नल है, बिना नल है, विदाउट नल है, जैसा चाहिए बोतल है, सब आइटम देखिए बोतल रखा हुआ है जी। पानी का जार है। तो कितना इस समय कस्टमर की डिमांड बढ़ी है आपकी मिट्टी के बर्तनों की? डिमांड तो है मिट्टी के बर्तन की जी।